दिल्ली चलो मार्च पर निकले किसानों की जो मांगे हैं, उनमें से एक मांग है एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की। हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, C2+50%। ये किसान नेता जिस C2 का जिक्र कर रहे हैं वो आखिर है क्या, और एमएसपी की कानूनी गारंटी का क्या मतलब है? चलिए बहुत आसान भाषा में इस पूरे मामले को समझते हैं। आप बाजार से जो चीजें खरीदते हैं उनमें से बहुतों पर एक तय कीमत दर्ज होती है, MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। अगर कोई डिस्काउंट ना मिले तो आपको इसी मूल्य पर चीजों को खरीदना पड़ता है। वैसे इस उदाहरण का इस्तेमाल सटीक तौर पर खेती किसानी में खरीद बिक्री को समझाने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इससे इतना समझ सकते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान चाहते हैं कि जब उनसे कोई उनकी फसल या कृषि उत्पाद खरीदे तो ये खरीद किसी भी औने पौने दाम की जगह किसी तय मूल्य पर ही हो, यानी MSP पर। MSP सरकार की ओर से घोषित कृषि उत्पादों का मूल्य होता है। मतलब अगर किसी कृषि उत्पाद का MSP 1,000 रुपए प्रति क्विंटल है तो माना जाता है कि किसान को उस कृषि उत्पाद के लिए इतना मूल्य तो मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार प्रमुख कृषि उत्पादों का MSP CACP की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करती है। CACP का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP की वेबसाइट पर बताया गया है कि ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अटैच्ड ऑफिस है। CACP 23 कमोडिटीज के MSP की सिफारिश करता है, जिनमें 7 अनाज संबंधी हैं, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, 7 तिलहन हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और रामतिल, 4 कॉमर्शियल फसलें हैं, कोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। CACP हर साल कमोडिटीज के अलग अलग 5 ग्रुप, खरीफ की फसलों, रबी की फसलों, गन्ना, कच्चे जूट और खोपरा के लिए प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। CACP प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट तैयार करने से पहले व्यापक प्रश्नावली तैयार करता है और फिर इसे राज्य सरकारों, संबंधित राष्ट्रीय संगठनों और मंत्रालयों को उनकी राय लेने के लिए भेजता है। CACP के मुताबिक वो मांग और आपूर्ति, उत्पादन लागत, बाजार में प्राइस ट्रेंड जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए CACP सभी इनपुट्स के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और फिर इसी रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अपने संबंधित मंत्रालयों के फीडबैक लेती है। फिर केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स MSP को लेकर CACP की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करती है। अब जब MSP तय होता ही है तो सवाल यह है कि किसानों को दिक्कत क्या है? तो प्रदर्शनकारी किसानों की दलील है कि MSP पर खरीद के लिए कोई कानूनी गारंटी ना होने के चलते बहुत कम किसान ही MSP पर अपनी फसलें बेच पाते हैं, जबकि बड़ी संख्या में देश के किसानों को औने पौने दामों में फसलों को बेचना पड़ता है और इस सब में बिचौलियों को मोटा मुनाफा हो जाता है। इसी दलील के साथ प्रदर्शनकारी किसान MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो के शुरू में आपने एक टर्म C2 का जिक्र सुना होगा, तो चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। मोटे तौर पर फसलों की लागत कैलकुलेट करने के लिए 3 कैटेगरी का जिक्र होता है, A2, A2 प्लस FL और C2। A2 में फसल उत्पादन के लिए किए गए नकद खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई आदि शामिल होते हैं। A2 प्लस FL में नकद खर्च के साथ फैमिली लेबर यानी किसान परिवार का अनुमानित मेहनताना भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में नकद खर्च, फैमिली लेबर के अलावा खेत की जमीन का किराया और कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि उन्हें C2 का 1.5 गुना MSP मिलना चाहिए। हम मांग रहे हैं MSP गारंटी कानून, C2+50%। जैसे बोला जा रहा है कि अगर MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है, तो हम बताना चाहेंगे आपको, कल भी बताया था कि जो CACP की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर MSP 23 फसलों का ऐलान करती है, तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं, बोले हाँ, तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके।